राहुल गांधी हरियाणा में लगातार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी रही है, तो डोंकी मार के जो है युवा बाहर जा रहे हैं। 55-60 साल का बचकानी हरकत करने वाला एक आदमी, मुझे शर्म आती है कि उसके जरिए हरियाणा में नैया पार उतारेंगे। तुम्हारे प्रधानमंत्रियों तक की चेकिंग हो जाती थी, आज वो 56 इंच के सीने का कमाल है कि 24 घंटे पहले दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहले रिहर्सल करते हैं कि मोदी जी आएंगे। उन्होंने तो अपने घर भरने हैं, अपने कार्यकर्ताओं के घर भरने। अब एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर भरने के लिए सारा देश तो वोट दे बोले हैं। देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोग इस प्रदेश को एक सेटअप दे के पटरी पर लेके आए हैं, और हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि भाई अब हमें आत्मनिर्भर हरियाणा बनाना, हमें इसको पटरी से नीचे नहीं उतारना है। तो मंत्री महिपाल हमारे साथ है और पूरा धुआंधार प्रचार जो है चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग है और इससे पहले वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। महिपाल जी, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस का हरियाणा का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, हर जिले में महिला कॉलेज की बात कर रहे हैं, 500 सिलेंडर की बात कर रहे हैं। क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हो? 20 किलोमीटर में एक कॉलेज हमने ऑलरेडी खोल दिया, कहाँ खोल लेंगे? बकाने की बात कर रहे हैं। हरियाणा का एक वो एरिया बोलो जिसके 20 किलोमीटर के सराउंडिंग में अगर एक कॉलेज ना हो, अब दूसरा कॉलेज खोलोगे? इतनी सीट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कहाँ खोल लेंगे? क्यों लोगों को, हम वही कह रहे हैं शुरू से ही, ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। लोगों को उल्लू बनाना है। अभी ये तो कह नहीं सकते कि हम लोग यहाँ कॉलेज बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे, किस आधार पे? क्या है जो 20 किलोमीटर की सराउंडिंग में एक कॉलेज है? अब आप मुझे एक बात बताओ, आज इसराणा में गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलोडा में गवर्नमेंट कॉलेज है, सियाओं में गवर्नमेंट एक कॉलेज महिलाओं का है, बापोली में एक कॉलेज महिलाओं का है, यहाँ पर एक कॉलेज है। आप मुझे ये बताइए, आप दूसरा कॉलेज कहाँ पे खोलोगे? महिलाओं के लिए कॉलेज ऑलरेडी खुले हुए हैं, खुले अच्छी बात है, मगर क्या उतनी रिक्वायरमेंट है? आप रिक्वायरमेंट के आधार पर खोलोगे? 20 किलोमीटर की सराउंडिंग में ऑलरेडी कॉलेज है, ये एक झूठा लोगों को उल्लू बनाने का काम है। अगला बात बोलो, 2000 रुपये पेंशन, 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे क्या करेंगे? तो 500 रुपये सिलेंडर तो ऑलरेडी है, 500 रुपये का सिलेंडर तो ऑलरेडी है। वो कह रहे हैं कि आपने तो एक परिवार को, बीपीएल परिवार को दिया, वो सबके लिए 500 रुपये सिलेंडर, 300 रुपये जो बिजली वाली जो है 300 यूनिट की बिजली, वो सबके लिए कर रहे हैं अपनी। ऐसा है, आज तक पुराने टाइम में देख लो, इन्होंने कोई एक काम पूरा किया अपना? एक भी काम पूरा नहीं किया है। 500 रुपये बिना जी, आपने तो ये किया, हम ये करेंगे, कितने परिवार बचेंगे? जिन लोगों ने अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब्सिडी छोड़ी थी, उन लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, ये कह रहे कि हम 300 रुपये तुम्हारे छोड़ेंगे, वो तुम्हारे 300 रुपये छुड़वाने के लिए बैठे हैं। अब पालीवाल जी को कोई कहे कि भाई हम तेरे 300 रुपये छोड़ रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हो भाई? और जितने जिनके छूटने चाहिए उनके ऑलरेडी छोड़ दिए भाई। अब कोई मुझे कहे भाई हम तेरे 300 रुपये सबका कर दिया, हम तेरे 300 रुपये छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ मैं देने में सक्षम हूँ, मेरे छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं, हम टैक्स देना चाह रहे हैं, आप हमें चोरी के रास्ते पर क्यों लेकर जा रहे हो? जिसकी नीड है, जो नहीं दे सकता उसका हमने छोड़ दिया है, जो ऑलरेडी कह के सब्सिडी छोड़ रहे हैं, आप तो उनको कह रहे ना तू भी ले, तू भी ले, अगला मना कर रहा है ये कह रहे हैं हम देंगे। भाई उल्लू ही तो बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्लू ही बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोलो इनका क्या है? राहुल गांधी हरियाणा में लगातार आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी रही है, तो डोंकी मार के जो है युवा बाहर जा रहे हैं, और 56 इंच पे जो सीने वाला जो मामला था उस पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना नहीं रहेगा, अब तो सब हवाबाजी बातें हैं। देखिए, 55-60 साल का बचकानी हरकत करने वाला एक आदमी, मुझे शर्म आती है कि उसके जरिए हरियाणा में नैया पार उतारेंगे।
और रही कहीं तो थोड़ी बहुत छोड़ भी रखी ना, उसके मिट्टी प्लीत कर देगा, बहुत बढ़िया है। उससे ये पूछना पड़ेगा कि भाई आपने विदेश में जाके जो आप बोलते हो क्या यहाँ नहीं बोल सकते? क्या वो हरियाणा के लोगों के बीच में आकर वोट मांगेगा, बताएगा, जवाब देगा कि जो हिंदुस्तान का हिंदू है वो आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है? हैं, क्या वो जवाब देगा? क्या जवाब देगा इस जवाब का, इस सवाल का जवाब दे कि भाई हम लोग तो आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्या इन खतरनाक लोगों के बीच वोट मांगने के लिए आएगा? जवाब दे, कांग्रेस से बताए। आप भी क्वेश्चन पूछो उनसे कि भाई इन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में जो हिंदू है ये आतंकवादियों से खतरनाक है, कया ना, तो क्या ये इन खतरनाक लोगों के बीच में वोट मांगने की हिम्मत करेगा? भाई हमें तो इस बात का जवाब दे तो आएगा नहीं, क्योंकि हम तो बहुत खतरनाक लोग हैं, जो हिंदू है वो तो बहुत खतरनाक है, तो उसके बीच में आएगा कैसे? उसको यहाँ का मीडिया नहीं मिलता, उसको यहाँ के लोग नहीं मिलते, उसको मुसलमान भाई सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगते हैं, तो ये तो बताए उसका स्टैंड है क्या? हरियाणा के लोगों को देगा क्या? 56 इंच का सीना तो इतना छोड़ा है, जिस 56 इंच के सीने की बात कर रहे हो ना, तुम्हारे प्रधानमंत्रियों तक की चेकिंग हो जाती थी, आज वो 56 इंच के सीने का कमाल है कि 24 घंटे पहले दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहले रिहर्सल करते हैं कि मोदी जी आएंगे और मैं कैसे हाथ मिलाऊंगा और कैसे क्या डम्मी वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं उसका, वो क्या बोलते हैं पहले डेमो लेके देखते हैं। ये 56 इंच का सीना बकवास कर रहे हैं, आए अनाप शनाप की, मतलब लानत है इन लोगों पे, इनको शर्म नहीं आती कि किस तरह से झूठ बोल बोल कर 60 साल इस देश का बेड़ा गर्क करके चले गए, आज फिर कह रहे हैं कि भाई हम लोग बेड़ा गर्क करने के लिए फिर आ रहे हैं। अच्छा, हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है या इतना टैक्स देता है हरियाणा की, 2000 रुपये महिलाओं को, 6000 रुपये पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री और सिलेंडर, इतना पैसा कहाँ से जो है सर्वाइव हो आएगा? तभी तो करेंगे जब आए न रहे, इनको पता है ना नोमन तेल होगा ना कोई नाचेगा, तो बोलो जो कुछ बोलना है मुझसे, बोलने में कुछ जाता है क्या? बोलने में कुछ नहीं जाता। और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इन्होंने आज तक जितने भी वायदे किए एक तो कमिटमेंट पूरी की हो, उन्होंने बेरा हमने कुछ करना नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई हमने जनता से कोई लेना देना नहीं, खुद बोल रहे हैं ना कि भाई पहले अपना भरेंगे, रिश्तेदारों का भरेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का भरेंगे, जनता तो न्यू है 5 साल में भूल जाएगी। अब ये तो ये चीज़ और ये जो बोल रहे हो चीज़, इसमें पहले ये बताएं तो कौन सी चीज़ पे स्टैंड करेंगे, ये बताएं ना। तो इन्होंने तो अपने घर भरने हैं, अपने कार्यकर्ताओं के घर भरने। अब एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर भरने के लिए सारा देश अंत वोट दे बोले हैं, पागल कुत्ते ने काट रखेगा हम या मरते बोली पूछी न कोई नहीं मिला। एक बात बताओ, दलित के नाम पर राजनीति करी ना 60 साल, बाबा साहब की बेइज्जती करी, बाबा साहब को मंत्रिमंडल से हटाया, बाबा साहब का चुनाव करवाया, पार्टी से निकाला, किसने? कांग्रेस ने। बाबा साहब के जीवन को पढ़ के लोग आगे बढ़ सकते थे, प्रेरणा ले सकते थे, उसका एक लेसन था, वो पाड़ दिया इतिहास के पन्नों में से। किसने पाड़ा? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कदे बाबा साहब का सम्मान किया ही नहीं। अब कोई दलित नेता उभरे कांग्रेस में, उसकी ये घिंटी तोड़ देते हैं, गर्दन तोड़ देते हैं, हैं, उसको बिठा दिया एक साइड में। फिर कुमारी शैलजा जी एक नेत्री आई, उसको आज घर बिठा दिया एक साइड में कि ठीक होकर बैठ जाओ। तो दलितों का है क्या कांग्रेस में, ये तो बता दो। ये हमारे दलित भाई नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे राम जाने? अरे भाई, भारत रत्न किसने दिया बाबा साहब को? बीजेपी ने, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने। सरकार बनते पहला भारत रत्न अगर किसी को दिया तो हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने इस देश के एक ऐसे महान व्यक्तित्व को दिया जिसने इस देश के नक्शे को बदलने में और गरीब से गरीब समाज के उत्थान के लिए जिन्हें अपना जीवन लगा दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, हमने उसको सम्मान दिया है, हमने दिया उनको
भारत रत्न, हमने हर दलित को सम्मान दिया है। अरे 1,20,000 रुपये तक की इनकम का आदमी गरीब है, इससे ऊपर का आदमी अमीर है, और उसके बीच की पॉलिसी ऐसी बनाते थे कि सारा पैसा हजम कर जाते थे। इसलिए इनके पीओ के घर से भी कांग्रेस के नेता 500 करोड़ रुपये निकलते हैं, नोट गिनने वाले 5-5 मशीन खराब हो जाएं, पीए के घर से जब 500 करोड़ निकल कहाँ तक आया। तो ये सारा पैसा हमारा सड़क का, रोड का, सीएचसी का, पीएचसी का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ पे तैयार होना था ये उसका है, और गरीब आदमी को जो स्कीम दे के लाभ देना था ये सारा पैसा उनका है, अपने अपने घरों में भर लिया। इनके लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे तो पेट कमर के लग गए, अब भाई पहले तो हम तो इन्हें उठाओगे, जो कुछ होगा बाद में देखेंगे। ये तो सीधे सरेआम रुके मार के बोल रहे हैं। तो जनता जनार्दन का या उसकी समस्याओं से या इस प्रदेश के विकास से इनका कहाँ संबंध है? देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोग इस प्रदेश को एक सेटअप दे के पटरी पे लेके आए हैं, और हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि भाई अब हमें आत्मनिर्भर हरियाणा बनाना, हमें इसको पटरी से नीचे नहीं उतारना है, क्योंकि भाजपा का कमल खिलाना वो खिला रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी पार्टी जो है जाटों के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ है, इसलिए जाट सारे जो है कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। भाई वो जात पात की राजनीति करते हैं और जाति की गणना की बात भी कर रहे हैं। अब जाति गणना की बात करें तो एक नेता ने पूछ लिया कि जरा आप अपनी जाति बता दो, नहीं बता पा रहे, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी जाति का पता करना कौन सी है इसलिए जनगणना करवा रहे हैं, एक बात तो मुझे ये लगती है। दूसरा ये, कौन सा जाट नाराज है हमसे बताओ? कोई जाट नाराज नहीं है, वही कह रहा हूँ, जाति पाती में अपना वजूद बचाना चाहते हैं, कोई जाट नाराज नहीं। जाट भारतीय जनता पार्टी का पक्का वोटर है, पक्का। ये ठीक है कोई किसी कालखंड में चौटाला जी के साथ चला गया, कभी कांग्रेस के साथ चला गया, कभी बीजेपी के साथ आ गया, हमारा जाट भाई हमें जो हमारा हिस्सा बनता वो दे रहा है और खुशी खुशी दे रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा दे रहा है और हमें बहुत कम दे रहा है, ऐसा नहीं है। जाट समाज ये समझ गया कि सबसे ज़्यादा अगर काबिलियत की कदर किसी ने करी है तो बीजेपी ने करी है। ये लोग तो सिफारिश लगा के भी उनके बालक नहीं लगाए थे, नोट दे के भी उनके बालक लगाए थे, और बीजेपी ने अपने बच्चों की काबिलियत देखी, जाति नहीं देखी, और सबको सम्मान दिया। इब एक बात बताओ, यह तो जाटा का बोली बूच बना के सारा दिन अपने पीछे लगा कर आँखें दे, अगवाई पार कुर्ता पजामा और मारियाँ, एक छोरा नौकरी लगा के सारे परिवार ने तोड़ा कर दे, तेरा छोरा नौकरी लगा रखा, तेरा छोरा नौकरी लगा रखा, और वो बोला आदमी है जाट, और उनके कराओ भाई एहसानमंद हूँ, छोरा ला रखा है, नोट की माला भी डाल है, और भाई 5-5 गाड़ी 10-10 गाड़ी भर भर कर उसके खातर ढोंदा फिर, कदे फतियाबाद और कदे रोहतक कदे सिरसा, और एक बालक ला रखा। ये उसको ये पता लग गया कि भाई मारा बालक पढ़िया, और इतनी बढ़िया सरकार आ रही, किसी के पानी पकड़ने, किसी की चमचागिरी नहीं करनी, नोट नहीं देने, लोग इकट्ठे करके लेके जाने, घर बैठे मारे बच्चे की काबिलियत को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है। जाट उधर नहीं है, जाट टोटली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, वो गलत फहमी है उनकी, और इसलिए हमारी सरकार बन रही है। चलिए, महिपाल डांडा हमारे साथ थे, और बड़ी बात है कि ग्रामीण हल्के में जो है धुआंधार जो प्रचार इनका चल रहा है, और राहुल गांधी के बयानों पर जो है उन्होंने कटाक्ष किया है। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।